आपके माध्यम से, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, और हरियाणा 1000 न्यूज चैनल वालों ने जो ये समझौता कराया, मैं इसका बहुत आभारी हूँ, खासकर आप दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल, और अजय आपका धन्यवाद भाई, आपका भी, दिनेश भाई का भी। मेरा इज्जत चली क्योंकि तीसा को आया नहीं था, बिगाड़ नहीं आए थे, अगर नू ले लिया, नू दे दिया, नू हो गया, फलान हो गया, आ जाओ बाड़ा कौन सा है, देनिया गिने जाओ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप ग्राउंड मीडिया और हरियाणा 1008 देखने लग रहे हैं। साथियों, लगातार दो दिनों से वीडियो सोशल मीडिया पर सांगवान इंटरनेशनल स्कूल को लेकर के वायरल होने लग रही थी कि भाई आर्यन जो बेटा है 9th कक्षा का, भाई उसमें वीडियो में दिखा गया था कि भाई बेटे की पिटाई कर दी डीपी सर ने ज़्यादा, उसी को लेकर के भाई उसके पिता ने स्कूल के जो डीपी सर हैं या जो FIR दर्ज करवा दी थी, भाई उसी मामले को लेकर के हमने जब परिवार से बातचीत की थी, शुरुआत में ये कहा था कि भी दोनों पक्ष जब सामने आएंगे मीडिया के तब पता चलेगा भाई दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तब असल में पता चलेगा भाई कहाँ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भाई स्कूल के ऊपर जो शिक्षा का मंदिर होता है उसी मंदिर में जो स्कूल जो अध्यापक है उन अध्यापकों के ऊपर एक पिता ने, बच्चे के पिता ने केस दर्ज करना पड़ गया। तो भाई एक अथक प्रयास था ग्राउंड मीडिया की तरफ से और हरियाणा 1008 के जो पत्रकार साथी हैं हमारे बड़े भाई दिनेश, हमारी तरफ से जो प्रयास था, इससे पहले भी जो प्रयास किए हैं वो सफल ही हुए हैं, क्योंकि देखो भाई सच्चाई के मार्ग पे जब भी कोई व्यक्ति चलता है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ही मिलता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो उसी को लेकर के जो आर्यन बेटा है उनके पिता हैं हमारे साथ अमरजीत, और जो सांगवान इंटरनेशनल स्कूल हैं उनके डायरेक्टर हैं राजेश सांगवान जी, और भाई अलग स्कूल से हैं हमारे गणमान्य, क्या नाम सर, संजय दलाल जी, आपका नाम जी, श्री कृष्ण जी। तो भाई स्कूल का जो स्टाफ है वो भी मौजूद है और डीपी सर खुद हैं। तो इस मामले को लेकर के दिनेश भाई एक बार खुद आप बताओ। भाई देखो, लगातार आप वीडियो देखने लग रहे थे, जैसा कि अजय भाई ने बताया था कि जो आपस में जो खिंचातानी जो चल रही थी बच्चे के परिजनों के बीच में और स्कूल स्टाफ के बीच में, अभी तक दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं आया था कि दोनों को मिला सके, क्योंकि अपने अपने तरफ से जो परिवार था वो अपने तरफ से जो वो भी गुस्से में था, क्योंकि भाई बच्चे की जो पिटाई जो हो रखी थी उसमें, और आरोप जो उस पर लगे हुए थे परिवार का, ये कहना था कि जो आरोप है वो झूठे लगे हुए हैं। तो इन बातों को लेकर जब हम स्कूल में पहुँचे, हमें जो हमने डायरेक्टर साहब हैं जो सांगवान साहब हैं इनसे हमने बात करी, तो इन्होंने पूरे मामले की इंक्वायरी करी एक बार हमारे कहने से, जिस तरीके जिस एंगल से हमने इनको कहा कि सर आप, वैसे तो इंक्वायरी इन्होंने कर ली थी, लेकिन मैंने और अजय भाई ने जिस एंगल से इनको कहा कि सर एक बार इस एंगल से आप इस मामले को देखो, तो उस एंगल से जब इन्होंने देखा तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोनों जो हैं पक्ष हैं वो बुला लिए हैं हमने, सांगवान साहब भी हैं और अमरजीत भाई भी हैं, और भी जो मौजूद व्यक्ति हैं यहाँ पे डीपी सर हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था, आप देख सकते हैं सर एक बार जी, ये सर हैं जो डीपी सर हैं इनके ऊपर आरोप लगा था। अब ये आरोप क्यों लगा था, क्या कुछ ये कारण था, वो सभी बातों को हम जो है डायरेक्टर साहब से ही बात करेंगे। जी भाई एक बार बताओ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो आपने बता दें भाई कि स्कूल में जो आर्यन बेटा है उनके ऊपर यह आरोप लगा गया था कि भाई वो स्कूल में बच्चा जो हॉस्टल में जो बच्चे रहे हैं उन्हें बीड़ी या सिगरेट दे हुए है, इस बात को ये कह दिया भाई वो सप्लाई कर रहा है, यानी क्या हो गया भाई दो जो स्कूल के ही बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनके द्वारा ये झूठ बोली गई, क्योंकि वो बीड़ी पींदे फंस गए भाई स्कूल के स्टाफ ने, और उनने खुद कदे मास्टर उनका मार दिया, उनने यह बात कह दी कि भाई आर्यन हमारे लिए बीड़ी लेकर, अगर वो कहाँ से के लेकर आए हैं वो भी पता चल गया, और वो जो पुनिशमेंट है जो टीचरों ने जैसे भी उन्हें बता दिया, उनके पेरेंट्स को भी बता दिया भाई ऐसे ऐसे है, तो भाई कहीं ना कहीं उन बच्चों के द्वारा जो दो बच्चे हैं उनके द्वारा झूठ बोली गई कि भाई आर्यन ने बीड़ी या सिगरेट लेकर के आता था। तो भाई सर ने भाई पूरी पूछताछ करी, पूरी जाँच करी, तो पता चला भाई आर्यन उस दिन बीड़ी नहीं लेकर के, पहले भी नहीं लेकर आया था, आर्यन अच्छा बच्चा है, ये कहीं ना कहीं झूठ बोला गया भाई बच्चों के द्वारा, कोई नहीं भाई बच्चा झूठ बोल सकता है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार यदि झूठ बोलते और टीचर उसको समझाता जीवन में झूठ नहीं बोलने, क्योंकि हमेशा एक बात कहते हैं भाई झूठ बोलना पाप है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर के? देखिए ये पूरा केस पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग का था जी, ये बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा है और उभरता हुआ बच्चा है जी, मैं हमेशा इस बच्चे की तारीफ करता हूँ जी, और इसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जो मेरी जांच में सामने आया जी, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा यहीं से प्लस टू करे जी, और बहुत अच्छे नंबरों से पास आउट हो, हमेशा हम इसको प्रेज करेंगे,
अच्छे नंबर लेके आए, पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हमारी सोल्व होगी और आपके माध्यम से, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से और हरियाणा 1000 न्यूज़ चैनल वालों ने जो ये समझौता कराया, मैं इसका बहुत आभारी हूँ, खासकर आप दोनों का। बिल्कुल सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरजीत भाई, कहा था आपको भी कि अमरजीत भाई प्रयास करेंगे, एक बार अध्यापकों से बातचीत करेंगे, भाई दूध का दूध पानी का पानी तब होगा। मैंने जिस टाइम पे पहली बार मिले थे हम, मैं दिनेश भाई, यही बात कही थी कि भाई बात कुछ नहीं, सिर्फ राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, छोटी सी बात है और जब बातचीत करेंगे तो जरूर सुलझ जाएगी। आपने भी ये बात कही थी जब भाई, जैसा आपने उचित लगा, 5-10 आदमी जो बैठेंगे, क्योंकि पंच जब जहाँ 5 व्यक्ति बैठते हैं उसी को पंचायत बोलते हैं, तो वही सभी बैठे, बातचीत कुछ भी नहीं पाई, सर ने इन्वेस्टिगेशन करी, अपने जांच करी स्कूल में, तो भाई आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। जी ठीक है भाई, भाई साहब धन्यवाद आपका, मैंने तो आपको बोला था सुबह जी, अब दूसरे पक्ष की जरूर सुनना, जब भी कुछ निचोड़ निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खाली लड़ाई नहीं आ रही इनकी, इसीलिए लड़ रहा था भाई, निचोड़ निकल गया, इसकी गलती नहीं है। तो ठीक है, सांगवान सर ने अपनी बात मान ली, भाई बच्चा यही पढ़ेगा, सब कुछ है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और अजय आपका धन्यवाद, हाँ। भाई आपका भी, दिनेश भाई का भी, मेरा इन चचेरी क्योंकि इफ्तीसा को आया नहीं था, बिगाड़ नहीं आए थे, अगर भाई नू ले लिया, नू दे दिया, नू हो गया, फलान हो गया, आ जाओ भाड़ा कौन सा है, देनिया गिने जाओ, क्योंकि पता भाई मैं इस बात ने, मैं नू की नू कर लेता ना, क्या 1000 मैं घर तक उसाला में देता, जब भी मेरे नू कहनी थी लेकर कर लिया। सांगवान साहब, हाँ, ये असली बातें हैं दलाल साहब, आप तो मतलब 3 स्कूल चलाते हो, लगते हैं बिल्कुल। भीड़ खाली स्वाद लेने के लिए होती है, जो कि हमने दिए नहीं किसी दे। बिल्कुल सर, जी जी, जिस तरह से बिल्कुल सर दलाल साहब है, जो अमरजीत भाई कह रहे हैं कि इनके सामने ये समस्या आ रही थी और हमने जब सर से बात करी तो इनके सामने भी ये समस्या थी कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बीच में मतलब भाई जिसने राजीनामा बोला करे, एक साफ शब्द में मैं कहूँ राजीनामा जिसने बोला करे, जो राजीनामे के तौर पर शायद दोनों तरफ से लुटा खसोटी इस मामले में होश कह थी, लेकिन जब हमारे सामने ये बात आई तो हमने ये कहा था, सर को भी ये कहा था कि अगर ये बात कुछ भी नहीं है, जैसा अजय भाई ने कहा है एक उदाहरण के तौर पर कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा था, कुछ भी बात नहीं थी, मगर राजीनामा अगर होगा तो वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, किसी भी तरफ से एक रुपये का भी जो है इसमें ये नहीं होगा कि कहीं से पैसे लाख का समझौता हुआ है, और निःशुल्क हुआ है सर से जो है एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें अमरजीत भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि सोमवार को मंडे को ये FIR अपनी उठा लेंगे और बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो, दूसरी नज़र से ना देखा जाए, इसकी जिम्मेवारी मेरी होगी और मैं पूरा इस बात का ध्यान रखूंगा कि बच्चे अनुशासन में रहें, बीड़ी सिगरेट अगर किसी ने पी है तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई स्कूल की तरफ से करेंगे, और ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई देखो, माँ बाप हैं उनके लिए भी ये सोचने की और सीखने की बात है, माँ बाप भी बच्चों का ध्यान रखा रहो, क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं है कि स्कूल में डाल दिया तो सारा जिम्मेवारी जो है स्कूल की है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो स्कूल में चलो जो भी है स्मोकिंग वाला मामला था, कुछ भी है, और होते भी हैं इस तरह के मामले, ऐसा नहीं है ये मामले सामने आते हैं, रियल में भी आते हैं, लेकिन अगर स्कूल से बाहर निकल के अगर बच्चा कहीं स्मोकिंग करता है या घर पे छुप के करता है तो उसमें स्टाफ क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, तो भाई पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों का घर पर भी ध्यान रखो, ताकि बच्चे की संगत कैसी है, कैसे उसके यार दोस्त हैं, कहाँ आता जाता है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखोगे तो शायद भविष्य में इस तरह के मामले जो है सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल जी, दलाल साहब क्या कहें, ऐसा है जी, कोरोना के बाद जो बच्चे हैं इनमें एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे कोरोना में जो संपर्क फोन के संपर्क में जो आए तो उससे एक तो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन इस तरह का आ गया, अच्छा वो अनरिस्पेक्टेड बहुत हो गई हैं, रिस्पेक्टेड वो बच्चे नहीं रहे हैं अब जी, जी। तो हमारे पेरेंट्स का, जैसे आज हमारे स्कूल में PTM थी, मैंने काउंसलिंग की, काफ़ी पेरेंट्स उसमें आए थे, 150-200 पेरेंट्स उसमें आए थे, तो हमने 8-10 पॉइंट उनको बताए हैं, बच्चों को रिस्पेक्टफुल बनाओ, उनको संस्कार दो, उनको आप उनका उनके मतलब अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, इतना महंगी फीस आप दे रहे हैं तो उनको समय भी दो आप जी, उनके संपर्क में उनको उनको अच्छी जो ना ये सारी शिक्षा जो है ये दो, दादा दादी के संपर्क में बच्चों को आने दो, उनको दूसरे गेम्स वगैरह फोन की बजाय उस गेम्स में उनका जो ना ध्यान डाइवर्ट करो आप। बिल्कुल सर, और माँ बाप भी आजकल क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा है, बच्चे को फ़ोन दे दिया, वो बच्चा चलाता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, इसकी बजाय बच्चे को दादादी के पास बैठाएं, उनसे संपर्क रखें, वो उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उन अनुभवी हैं, और ये इस तरह की घटनाएं स्कूलों में होती रहती हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि किसी भी उसके DP सर हैं, कोई दूसरे स्कूल संचालक हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है इस तरह की चीज़ें, उनको भाई ये हाँ डिसिप्लिन में रखना भी और इस चीज़ों का की जांच करना भी। बिल्कुल सर, तो उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हो जाती हैं,
तो उसमें बाद में जो ना इन चीज़ों का जैसे इंक्वायरी के बाद पता चलता है, जैसे अब भाई साहब किसी ने मान लिया भाई ठीक है बच्चे की इसमें कोई गलती भी नहीं, संगवा सर ने भी कहा कि गलती नहीं थी, तो इस तरह के होते रहते, लेकिन पेरेंट्स को फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, क्योंकि बच्चे आते बच्चे पेरेंट्स देते हैं हमें, वो बच्चे स्कूल में आने के बाद स्कूल को जाते हैं। गुरु गोविंद दो खुड़े का केला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, इन चीज़ ये जो दोहे थे इन दोहों को हम पेरेंट्स अब पेरेंट्स भूल गए हैं, लेकिन हम वही हमारी नज़रें आज वही हैं और हम इस बात की एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स वो आदर सम्मान अब भी वहीं जे वही आदर सम्मान रहे और ये देंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ये भी उनको आदर सम्मान देंगी और अच्छे नागरिक बनेंगे। चलो भाई देखो, बहुत ज़रूरी है, परिवार की जिम्मेदारी है भाई, जो अध्यापक जब अध्यापक के अंडर में बच्चन छोड़ दे है तो अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे का अच्छे तरीके से पढ़ाई के प्रति ध्यान दिलाए और माता पिता का भी फर्ज बनता भाई अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखे। सर भारद्वाज साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया और 1008 चैनल वालों का शुक्रिया करूँगा कि वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी जी सर। तो हम देखते थे प्रेस के माध्यम से, किसी भी प्रेस या न्यूज़ चैनल को या प्रिंट मीडिया को, तो उनमें ये चीज़ें बहुत कम होती है, वो अपनी न्यूज़ ली उधर से उधर ली और वो लगा देते हैं। तो आप लोगों ने ये प्रयास किया और उसका रिजल्ट जो है वो भी बहुत ही अच्छा निकला, तो उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा, दिनेश जी और भारद्वाज साहब आपका भी। अब बात आती है कि हम भी यही चाह रहे थे दो तीन दिन से, जैसे कोशिश हमारी भी थी भाई ये चीज़ें किसी तरीके से निमटे, क्योंकि देखो समाधान ही किसी चीज़ का हल है। बिल्कुल जी, समाधान कि भाई समाधान होना चाहिए कि भाई उसमें उसके ऊपर भी कोई दोष ना लगे और उनके ऊपर भी दोष ना लगे और एक उन दोनों के दोष के बीच में एक बच्चे को ना पिसना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो वो आगे तक भी बहुत नुकसान देगा वो चीज़, और उसके लिए वो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा वो। अब भाई क्या पता वो किस लाइन में कब जा सकता है। अब इससे मैं स्कूल वालों को भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इस बच्चे का खासकर ध्यान रखें और पेरेंट्स जो हैं वो भी हमारे भाई साहब हैं जो अमरजीत जी, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा वो भी बच्चे को थोड़ा टाइम देकर उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और थैंक यू। और एक बार डीपी सर हैं सर, एक बार उनसे भी बात। जी सर क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे केस को लेकर? सर पहले तो सबसे पहले दोनों चैनल्स का, हरियाणा 1008 और ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद, आप मीडिएटर बने। एक्चुअली दोनों पक्ष से ही बातें नहीं हो पा रही थी, आपने मीडिएटर का काम किया, चेयरमैन सर ने भी जो आपने बोलने के बाद भी, पहले भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से जो आपने बताया उस वे से निकाली चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पता लगा है कि भाई मिस गाइड हो रखा था, मिस कम्युनिकेशन हो रखा था, आर्यन बच्चे की गलतियाँ नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों के माध्यम से जो परिवार का जो हमें कोऑपरेट मिला कि हाँ जी हम साथ हैं, आपके साथ हैं, कोई नहीं जो भी कुछ हुआ लेकिन हम टीचर के साथ खड़े हैं, आप इस चीज़ को एक बार निकालिए ताकि सच निकले, बच्चे को ये ना लगे कि उसको बेफजूल टॉर्चर किया जा रहा है। उस चीज़ का आज फैसला हो गया है, आप दोनों चैनल्स का, भाई साहब अमरजीत भाई साहब का, चेयरमैन सर का और सभी माननीय जो भी गण हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल भाई ये सभी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक न्यूज़ है। कई बार क्या होता है स्कूल में जब आपके बच्चे के साथ है को टीचर मार देता है थप्पड़ चट्टू, तो आप उत्तेजित होकर के ये सोचते हैं कि भाई मैं उस टीचर को देखूंगा, मैं स्कूल को देखूंगा। ये अकेले सांगवान इंटरनेशनल स्कूल की कहानी या सच्चाई नहीं है, यह हजारों स्कूलों की है कि आज एक पेरेंट्स एक उत्तेजना के कारण या अहंकार और घमंड के कारण टीचरों को ही टारगेट करते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं भाई जो शिष्य हैं वो मतलब टीचर यदि मार देता है तो शिष्य उसको टीचर को द्वेष भावना के कारण देखता है कि भाई टीचर ने मेरे को क्यों मार दिया। तो भाई बहुत सारे उदाहरण हैं, शिक्षक के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता, परल और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। बहुत सारे हमारे इतिहास के ज्ञान रहे हैं, वैसे तो इतिहास का ज्ञान वर्तमान में व्याख्या करने के लिए नहीं होता ये, लेकिन भविष्य निर्माण के लिए इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। साथियों अध्यापक बार बार बता, जितनी भी हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जितनी इज्जत करते हैं उतनी ही कम है, बार बार ये बात बताना चाह रहा हूँ, लेकिन
जो पेरेंट्स है उनको ध्यान रखना चाहिए, आप उत्तेजित होकर तुरंत ये फैसला मत लिया करो, कम से कम उस मामले की तय तक जरूर जाना चाहिए। जी दिनेश भाई अंत में। जी बिल्कुल, आप ही एक बार बात कर लो अमरजीत भाई साहब, आगे भविष्य में मतलब सर के प्रति, स्कूल स्टाफ के प्रति या पूरे स्कूल के प्रति अगर कोई आपके मन में अभी कोई बात हो तो आप रख सकते हैं। देखो स्कूल के प्रति नहीं मेरे मन में, सर के प्रति नहीं, अरे सांगवान सर मेरे कति अजीज है, जिस आदमी ने मतलब घने बड़का ही जिंदगी बना रखी हो, और मैं उसके खिलाफ लड़न ना अगर फिर भी मैं कहना मैं इज्जत करूं हूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरी देखो ना मैं खाली पता क्या है, जो मेरे ऊपर ये नहीं था कि भाई लड़का बीड़ी सप्लाई, मैं अपने लड़के के लिए खड़ा था खाली इसको हटवाने के लिए ना, बिल्कुल। और एक और जो बीच में आदमी थे वे अच्छे नहीं थे, आज सुबह जय भाई और आप आए, मैंने क्या बोला भाई दूसरे पक्ष से बात करो, बिल्कुल। और जो सच्चाई ना वो निकाल लो, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो निकल गया सच्चाई। देखो यही आई है कि जिस तरह का जो सप्लाई वाला जो आरोप है, और एक बच्चे के ऊपर मतलब इस उम्र में इस तरह का आरोप लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में भी हीन भावना आती है, और जब उसकी एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई है तो इस तरह का कोई भी मामला नहीं पाया गया है कि बच्चा इस तरह का कोई काम करता है। ये बिल्कुल झूठा आरोप था, जिसने भी ये आरोप लगाया है वो भविष्य में किसी और बच्चे के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करे। जी ना, तो आर्यन बेटे की कमी मतलब कोई भी किसी प्रकार की आर्यन बेटे ने झूठ बोल ली, और न ही भाई अध्यापक हैं जो इनकी तरफ से कोई झूठ बोला गया, वो तो जो दो बच्चे थे भाई जिनने झूठ बोलकर ना अपने मतलब सोचा मास्टर के मारा पिटाई कर दिया, उस झूठ के कारण ये बोल दिया भाई आर्यन हमारे लिए सिगरेट या बीड़ी लेकर के आ कर दा, तो इस झूठ की वजह से ही जो सारा जो इतना बड़ा मामला इतनी बड़ी बात हुई है, नहीं तो बात कुछ भी कौन थी। बिल्कुल। और भाई पेरेंट्स से लास्ट में ये भी कहना चाहेंगे, अगर मान लो आपका बच्चा स्कूल में कोई गलती करता है और जो टीचर है अगर वो डांट देते हैं या फिर थप्पड़ जट्टू वो मार देते हैं, तो इन चीजों का कोई बड़ा मामला मत बना करो, ये आपके बच्चे के भविष्य की ही बात है। क्योंकि पहले भी जिस तरह से अभी जो चर्चा कर रहे थे, पहले जो जो गुरु जी होते थे स्कूल में वो खूब जो मार पिटाई कर देते थे, आप अपने से अंदाजा लगा कर देखो जो पेरेंट्स हैं जब आप स्कूलों में जाते होंगे तो उस टाइम पर किस तरह का जो आपके साथ स्कूलों में जो व्यवहार होता था, और उसी के कारण जो है आज आप उस लेवल पर खड़े हो कि आज आप अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े स्कूलों में आप पढ़ाने लग रहे हो। अगर आप अब जो है इन बच्चों के साथ मतलब इस तरह का व्यवहार करोगे तो आपके बच्चे, आप ये मत सोचना कि आपके बच्चे अपनी औलाद को जो है कहीं पे इस तरह से इतने बड़े स्कूलों में वो पढ़ा लिखा लेंगे, क्योंकि खुद ही उनका भविष्य खराब आप कर लोगे तो आगे अपनी औलाद का वो क्या भविष्य बनाएंगे। तो लास्ट में सर दो शब्द और, जो जिस तरह से अमरजीत भाई के जो मन में जो भी जो कड़वाहट थी वो उनकी निकल चुकी है, लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं और अमरजीत भाई को भी और सभी को क्या दो शब्दों के? आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा और अपने स्कूल की तरफ से भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर ये आरोप थे ये निराधार थे, मिसकम्युनिकेशन था, पेरेंट्स का हमें बहुत साथ मिला, और अमरजीत भाई साहब ने जो आश्वासन दिया है कि मंडे को हम ये FIR जो इनके प्रिंसिपल के खिलाफ और इनके खिलाफ हो रखी है वो वापस कर लेंगे, इनके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। और मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आर्यन बेटा मेरे स्कूल का स्टूडेंट रहे और 12वीं क्लास मेरे स्कूल से हो, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद जी। भाई साहब लास्ट में जो मंडे के लिए जो आपने बोला है FIR जो है वो वापस लेने के लिए, एक बार थोड़ा ऑन कैमरा और बता। हाँ बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है, आप जिस टाइम बोलोगे कल बुला लो, 10 आदमी 5 आदमी बड़े आदमी इकट्ठे हो गए अपने, लिखवा लो मेरे से जो है। मेरे को खाली एक ही चीज से होता, लड़के ने मेरे को बोला पापा मैं गलत नहीं हूँ, बस सच्चाई निकलो, सच्चाई आगे सामने बात खत्म, बगैर बात में थाने कोर्ट ये तो बिना बात की बातें हैं। धन्यवाद आपका। कुछ जैसे औपचारिकताएं होती है कानूनी तौर पे, ये भी अपने जगह सही हैं, भाई टीचर भी अपनी जगह सही थे, लेकिन तो बाद में जब पता चला है कि भाई ऐसे ऐसे झूठ थी, झूठ की वजह से इस प्रकार से माहौल बना गया, तो देखो बात नहीं है तो औपचारिकता है वो लिखित में हो जाएगा और सारा समझो सही हो। बिल्कुल, देखो जो गलतफहमी थी वो दूर होगी है भाई, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंचे जिन्होंने पहली वीडियो देखी है और जिनके दिमाग में जो है गलतफहमियां जो गई है स्कूल के प्रति भी गई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों तक ये वीडियो दोबारा पहुंच जाए कि ये कोई मामला नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ताकि स्कूल का जो नाम है वो ख़राब ना हो किसी भी वजह से। ये जो है हम आपसे निवेदन करेंगे, इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप ज़रूर देना, और जिनके बच्चे जो जिस तरह से पहली वीडियो में सर ने बताया था लगभग 1500 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो 1500 बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर देना इस स्कूल के प्रति आप लोगों की क्या कुछ राय है। हम फिर किसी और खास जानकारी और खास मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद जय हरियाणा। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।